So, hey guys, आज हम बात करने वाले हैं Vivo की तरफ से लॉन्च होने वाले दो नए तगड़े 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको Vivo के T सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब पिछले साल आपको जो Vivo के T सीरीज के अंदर Vivo T1 और Vivo T1X 5G देखने को मिला था, ठीक उन दोनों का सक्सेसर इस बार आपको बहुत कम दिनों के अंदर इंडिया में देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको Vivo T2 5G और Vivo T2X 5G के नाम से देखने को मिलेगा। मतलब अभी के टाइम पर इन दोनों ही स्मार्टफोन को लेकर फ्लिपकार्ट के अंदर Vivo वाला ने पूरा लैंडिंग पेज लिस्टेड कर दिया है, तो उस हिसाब से देखें तो ऑलरेडी इन दोनों ही स्मार्टफोन का लगभग सारा स्पेक्स लीक हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खाली Vivo T2 5G के बारे में, और अगर आपको अभी के टाइम पर Vivo T2 5G के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Vivo T2 5G के लॉन्च डेट के बारे में, एग्जैक्ट स्पेक्स के बारे में और प्राइसिंग के बारे में। तो गुरु, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु प्लीज आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑल कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को पहुंचे, और पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड। ओके गाइस, अगर हम Vivo T2 5G की बात करें तो ये अपने प्राइस सेगमेंट का एक ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ और भी बहुत सारे तगड़े स्पेक्स देखने को मिलेगा। और उस हिसाब से अगर हम Vivo T2 5G के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको एक 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार भी आपको ये स्मार्टफोन वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलेगा। अगर इसके अंदर आपको सेंटर पंच होल दिया जाता तो और भी बेहतर होता, लेकिन इसके अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस पर भी ये स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक बैक के साथ, प्लास्टिक फ्रेम के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन भाई उसके बाद अगर हम डिजाइन की बात करें तो भाई एक Vivo का स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको बहुत ही तड़कता भड़कता डिजाइन दिया जाएगा। मतलब इस साल आपको iQOO Z7 जैसा देखने को मिला था, ये स्मार्टफोन भी आपको ठीक वैसा ही देखने को मिलेगा। और कुल मिला के बात करें तो इसका जो डिजाइन होगा वो आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो पिछले साल Vivo T1 5G के अंदर आपको Snapdragon 695 देखने को मिला था, और इस साल के Vivo T2 5G के अंदर आपको वही चिपसेट देखने को मिलेगा। मतलब चिपसेट के बारे में कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन Flipkart के अंदर जो इसके बारे में लिस्टेड हुआ है वहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपको एक Snapdragon का ही 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और इस प्राइस सेगमेंट के अंदर हमें अभी तक Snapdragon 695 ही देखने को मिला है, तो आप ये मान के चलो कि इसके अंदर भी आपको Snapdragon 695 वाला एक 6 नैनोमीटर 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि आपको डे टू डे यूजेस के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकल के दे देगा। अगर आप हल्का फुल्का गेमिंग करते हो तो ये आपको अच्छा खासा गेमिंग भी निकल के दे देगा। तो गुरु कुल मिला के बात करें तो ये जो चिपसेट है इसके अंदर आपको थोड़े बहुत हीटिंग इशू या फिर थोड़े बहुत लैग सेटअप देखने को मिलेगा अगर आप इसके साथ हार्डकोर गेमिंग करेंगे तो, नहीं तो ये डे टू डे यूजेस के अंदर आपको बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस निकल के देगा। उसी के साथ अगर हम एंड्रॉइड एंड ओएस की बात करें तो Vivo T2 5G आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 13 के साथ FunTouch OS 13 के साथ देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के बात करें तो इसका जो प्रोसेसर है ये आपको प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकल के देगा। और वहीं पर अगर हम कैमराज की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको Vivo की तरफ से ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको वही 2-2 मेगापिक्सल का फालतू का डेप्थ और मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो सामने की तरफ यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जहां पर अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप दोनों साइड से फुल HD 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और उसी के साथ अगर हम बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो पिछले साल के Vivo T1 5G के अंदर आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया था, और उसको चार्ज करने के लिए आपको 18 वाट का सुपर फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिला था। लेकिन इस बार Vivo T2 5G के अंदर आपको 4500 mAh का एक बैटरी दिया जाएगा, और उसी के साथ आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए 44 वाट का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के बात करें तो 4500 mAh के बैटरी के साथ ये आपको आराम से एक दिन का तो बैटरी बैकअप निकल के दे देगा, लेकिन उसी के बीच में अगर आपका बैटरी भी डिस्चार्ज हो गया तो आप आराम से 44 वाट के सुपर फास्ट चार्जर के साथ अपने स्मार्टफोन को बहुत कम समय के अंदर चार्ज कर सकते हो। चार्ज करने के लिए आपको नीचे की साइड में टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, उसी के साइड में आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा। ऑडियो आउटपुट की बात करें तो इसके अंदर आपको सिंगल स्टीरियो स्पीकर दिया जाएगा, जहां पर अगर हम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो Vivo T1 आपको 3 वेरिएंट के साथ देखने को मिला था,
4GB RAM प्लस 128GB वाला स्टोरेज, 6GB RAM प्लस 128GB वाला स्टोरेज और 8GB RAM प्लस 128GB वाला स्टोरेज। तो आप ये मान के चलो कि Vivo T2 5G भी आपको शायद तीन वेरिएंट के साथ देखने को मिल सकता है और यही तीनों वेरिएंट आपको Vivo T2 5G के अंदर भी देखने को मिलेगा। और प्राइसिंग की बात करें तो Vivo T1 का बेस वेरिएंट अभी के टाइम पर आपको 15,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो आप ये मान के चलो कि जब Vivo T2 5G आएगा तब भाई Vivo T1 डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि Vivo T2 5G भी आपको वही 15,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो गुरु कुल मिला के बात करें तो 15,000 के हिसाब से देखें तो ये मुझे Vivo की तरफ से एक अच्छा 5G स्मार्टफोन लग रहा है। तो ये तो भाई आगे पता चलेगा क्योंकि आज से 2-3 दिन के बाद ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना, ये था पूरा कहानी Vivo T2 5G के बारे में। आपको क्या लगता है इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। लेकिन गुरु जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गुरु बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।